शादी कब है? 27 नवंबर को। अच्छा, वोट देने आए हो आप यहाँ? वोट देना जरूर समझा आपने। काशी महिला है एक ये है, एक वहाँ कल्पवृक्ष है, वहाँ पे है भी है, 228 है, कोलिया वास है। तेपन 50 एंड 20 70 साल ही जिया जी पहली वाली देखो नहीं वो भी कर दे वगैरह होम वोटिंग वाला फॉर्म नहीं भरी होगी कल ध्यान रखे हो आदा ध्यान रखे हो ऊपर फोटो लीजिए मन ध्यान रखो अरे
फिर भी है 92 डॉक्यूमेंट ली कुंगट पे तक मतलब ही गुंडों फोटो ले ले रहा आप ताकि है ना ओके अच्छा जो है ये टीवी में आ रही है हेलो अच्छा थोड़ा ना सुन के अरे पता कर रही है ये घणो कोने का संख्या 231 जो कि निर्वाचन आयोग राजस्थान की तरफ से ये लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा महोत्सव आज महापर्व 25 तारीख को 25 नवंबर को आज मतदान दिवस है
और इस दिवस में राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ये नजदीकी बूथ के रूप में यहाँ जुरली स्कूल के अंदर एक नया मतदान केंद्र इस वर्ष से शुरू किया है ताकि अधिकाधिक यहाँ मतदान हो सके और इस मतदान केंद्र पर इस पूरे बिलड़ा विधानसभा के अंदर एकमात्र मतदान केंद्र जो भाग संख्या 231 है वो समस्त मतदान केंद्र जो है ये दिव्यांग मतदान कर्मियों द्वारा प्रबंधित मतदान केंद्र रखा गया है। इस मतदान केंद्र के अंदर दिव्यांग के साथ साथ में ये समस्त इस जुड़ली गांव का जो ग्राम पंचायत राजस्व ग्राम पंचायत पिचिया के अंतर्गत गांव आता है और इस गांव में के सभी वासिंदों को सभी नागरिकों को एकदम अपने निकटतम स्थान पर अपने मताधिकार का अपने वोट का अधिकार का उपयोग करने का एक सुअवसर प्राप्त हुआ है। लोगों ने बढ़ चढ़ कर आज इस मतदान केंद्र पर भाग लिया है और चूंकि ये दिव्यांग मतदान केंद्र है तो निर्वाचन आयोग ने इसको मद्देनजर रखते हुए यहाँ ये जो दिव्यांग मतदान कर्मी और उसके साथ में जो मतदाता है उनकी सुविधाओं के लिए रैंप के साथ में एक व्हील चेयर भी उनके आवागमन के लिए सुगम व्यवस्था के रूप में यहाँ उपलब्ध करवाई है। तो ये सरकार के लिए और आने वाले लोकतंत्र के लिए एक बड़ा ही शक्ति और एक पावर का एक केंद्र रहा है। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। हमारे साथ में इस गांव से पधारे हुए मतदान करने के लिए इस केंद्र पर बहुत सारे नागरिक वृंद पधारे हुए हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आपको इस जुड़ली के अंतर्गत ये बूथ इस वर्ष नया शुरू किया है, आपको कैसा लगा हीरालाल जी? बहुत बढ़िया लगा। आपको हीरालाल जी कह रहे हैं इस वर्ष अपने पास में निकटतम केंद्र पर पहले ये पिचिया के अंतर्गत यहाँ इनका मतदान होता था लेकिन इस वर्ष यहाँ भाग संख्या 231 जो यहाँ नया बूथ बनाया है वहां पर सभी मतदाताओं ने जुड़ली वासियों ने मतदान किया है। इस जुड़ली गांव से ही चंद्र सिंह जी भी मेरे साथ में यहाँ मतदान करने के लिए आए हुए हैं। चंद्र सिंह जी आज का दिन आपको कैसा लग रहा है? आज बहुत अच्छा लगा है ये देखने के लिए कि वोटिंग भी बहुत ज्यादा हुई है क्योंकि यहाँ पर जैसे कि 300 के लगभग वोट है लेकिन 300 वोट होते नहीं है लेकिन आज मैंने देखा है कि यहाँ पर 200 से अधिक वोट होने की उम्मीद है तो बहुत अच्छा लगा। तो ये 231 रखा आपने तो ये बहुत अच्छा रखा है यहाँ पर। अच्छा चंद्र सिंह जी बता रहे हैं कि भी अपने पास में अपने गांव में ही बूथ का होने के वजह से सभी लोगों ने सवेरे से ही अपने समय समय पर अपने पास में आकर यहाँ वोटिंग कर ली है और अपने वापस निर्धारित स्थान पर घरों को चले गए हैं। आने वाले समय में भी ये बूथ यही रहना चाहिए ना जी ना? और सरकार ने भी इस बूथ पर तमाम व्यवस्थाएं की है जैसे ये जल की व्यवस्था है टेंट की व्यवस्था है कुर्सियों की व्यवस्था है सारी चीज की व्यवस्था मिली है। हाँ। व्हील चेयर भी है यहाँ पर स्कूल में रैंप भी बनाया हुआ है जो कि आने जाने वालों को कोई दुख दुविधा नहीं हो रही है। स्कूल में अपने पास में एक सहायता केंद्र भी बना हुआ है मतदाताओं के लिए समय समय पर उनकी अपने पास में सुविधा के लिए उपलब्ध कराए गए और भी अन्य की सुविधाएं मुहैया कराई गई है उनको जैसे शौचालय है ये अपने पास जलपान की व्यवस्थाएं हैं तो इसको देखकर बहुत ही बेहद ग्रामीण जन खुश नजर आ रहे हैं। तो आपको कैसा लगा अपने पास में निर्वाचन आयोग को आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी तरफ से बहुत 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 धन्यवाद देते हैं जो कि ये किया है। मैं कह रहा हूँ कि आभारी रहेंगे बीएलओ साहब के जो कि ऐसा काम किया हमारे गांव में आज पहली बार हुआ है और वोट भी बहुत अच्छा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। इसी के साथ में जय हिंद जय भारत, भारत जीतेगा लोकतंत्र जीतेगा। जय हिंद जय भारत, जय भारत।